So hello guys, welcome to my channel. After a long time, I am going to make this video for you guys and for me. Jokes apart. So I know it's been very long time जो मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आई है और मुझे पता है तुम्हें फर्क भी पड़ने वाला है नहीं अगर वीडियो आए या ना आए, correct? But मैं अपने लिए बना रही हूँ. आप लोगों को अगर पसंद आए तो do like, share and subscribe. तो guys, I have ordered my Be Blunt shampoo. So yes, मैंने काफी इसके रिव्यू देखे, बहुत सर्च किया and then मैंने सोचा एक ट्राई तो बनता है. काफी तारीफें सुनी जा रही है इस शैम्पू एंड कंडीशनर की. ऑर्डर कर दिया एंड प्लस पॉइंट इज वी हैव नॉट ओनली गॉट शैम्पू एंड कंडीशनर, ऑल्सो वी हैव गॉट वन बी ब्लंट सैलून लाइक कलर फ्री 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 मुफ्त 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 में हमको ये मिल गया है. एंड ये कौन सा कलर है, लेट मी रीड. चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर है एंड MRP इज ओनली 49 rupees. बट हमें क्या, फ्री में मिला है तो हम उसमें भी खुश हैं. ऑल्सो वी गॉट टू टाइनी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू एंड अनदर वन इज हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर. येपी. तो टोटल मेरे को याद भी नहीं है मैंने ऑर्डर किया ये 638 rupees. तो 638 rupees में हमें मिली है एक ये बी ब्लंट की शैम्पू जिसका 300 ml में मिला है. नॉट बैड, करेक्ट, नॉट बैड. 300 ml हमें मिला है एंड इसमें ये क्या क्लेम करता है, लेट मी रीड. बी ब्लंट सैलून लाइक हेयर हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, जो कि बहुत जरूरी है, आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है. एंड लिखा है स्ट्रेंथन एंड रिड्यूस हेयर फॉल. हमें मिला है पीए प्रोटीन एंड कैफीन के साथ ये, और साथ में ये भी लिखा हुआ है अप टू 93% रिडक्शन इन हेयर फॉल. मुझे यही चाहिए विथ शाइन टॉनिक, इसमें ये भी मेंशन है. तो इसको जब हम यूज कर लेंगे तब उसका रिव्यू बनाएंगे कि कैसा रहा ये. और हमारे पास है बी ब्लंट सैलून लाइक हेयर हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर ऑल्सो, तो इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है. तो इसका हम रिव्यू ना हम तब बनाएंगे जब हम इसे यूज कर लेंगे. एटलीस्ट 1 month यूज करने के बाद हम इस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वॉश में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज हमें रिजल्ट देती है, करेक्ट. यस, किसे पूछो, परी है यहाँ पे. तो हम एक बार के यूज पर हम इस पर रिव्यू नहीं बनाएंगे. फेंक दो इन्हों, अभी नहीं, कैसे फेंकते, हमें इसकी नीड है. तो हम 1 month इसका यूज करेंगे देन इस पर रिव्यू बनाएंगे. अभी मैं क्या सोच रही हूँ ना कि अब जब ये, वैसे तो मैंने हेयर कलर कभी किया ही नहीं है अपने बालों पे, एंड मतलब कभी एक बार किया था और वो भी मेरा आई गेस कोलैब था, ठीक है. तो एज अ मॉडल वो मेरा कोलैब था, तब मैंने करवाया था एंड वो कोविड से भी पहले था एंड उसके बाद से मैंने नहीं करवाया क्योंकि ऑलरेडी हेयर फॉल ही काफ़ी ज़्यादा हो रहा था. तो मैंने वो नहीं करवाया. ऑल दो आई रियली वॉन्ट टू कलर माई हेयर बट नहीं करवा पाई क्योंकि हेयर फॉल की वजह से. तो अभी मेरे पास ये मुफ्त में आ गया है 3 chocolate dark brown. मुझे लगता नहीं है वैसे अगर मैं ये कर भी दूँ तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा. आई हैव टोटली ब्लैक हेयर नाउ. यस, आई हैव ब्लैक हेयर, है ना, अभी मेरे पास ब्लैक ही है. और इग्नोर माय फेस बिकॉज मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं की हुई है, नो मेकअप, नथिंग एंड स्किन की बैंड बजी हुई है. एनीवेज ठीक हो जाएगा सब, है ना. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये हेयर कलर कर लूँ घर पे ही, ट्राई कर लूँ थोड़ा सा कुछ किया जाए. अभी हमारे बिल्कुल ही अगर हेयर की बात की जाए तो ब्लैक है एंड स्ट्रेट है. ब्लैक हेयर है एंड स्ट्रेट है एंड कोई वॉल्यूम ही नहीं है, हद हो गई. पर हम वॉल्यूम का तो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आई एम अप्लाइंग माई होम मेड ऑयल. और बाकी अगर मैं हेयर फॉल की बात करूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने ये अभी कॉम करी है ना, आपका भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उठाओ इन्हें और डस्टबिन में फेंक के आओ प्लीज़. तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या हमें मिला है. सो इसके अंदर जब हमने ओपन किया तो सिर्फ हमें ये मिला है एक पैकेज और बस.
इतना सिंपल, इसको करना है एंड 5 मिनट्स रखना है, दैट्स सेट। लेट मी डू दिस गाइस। डर भी लग रहा है, आई एम फीलिंग स्कैर्ड आल्सो। सीजर आई एम फीलिंग स्कैर्ड। सीजर उस साइड है भाई, तो लेट मी कट दिस। और कुछ चाहिए? हाँ क्या? शांति। हाँ कौन सा? येलो वाला। ओह वाओ, व्हाट अ कलर है। मुझे लगता है ये लगेगा भी नहीं। ओ ये इसने डेवलपर एंड कलर दोनों मिक्स है। हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा कैमरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। मुझे ये समझ आ रहा है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, फ्रंट से थोड़ा थोड़ा लगा लो, बैक से रिस्क ले लूँ। टेकिंग रिस्क गाइस, आई एम टेकिंग रिस्क। अब मैं ये लगा लूँ फिर मिलूँ। तो हमारे पास ज़्यादा कलर तो था नहीं जैसे कि आपने देखा, तो मैंने सोचा लगेगा तो है नहीं, तो जितने पार्ट में हम लगा रहे हैं माय गॉड, तो उसको ही सही से लगाया जाए। तो मैंने ये सिर्फ फ्रंट पे लगा लिया है। 15 मिनट रखूँगी एंड देन वॉश करूँगी। सो गाइस यस, आई हैव वॉश्ड माय हेयर एंड आई कांट सी एनी डिफरेंस। मतलब पहले भी मुझे ऐसी लग रहा था और अभी भी वैसी लग रहा है, तो माय एक्सपीरियंस वाज क्वाइट बैड आई कैन से। और मे बी वहाँ पे दो रीज़न होंगे। एक ये रीज़न कि क्वांटिटी बहुत कम थी, तो सिर्फ थोड़े ही पार्ट में लगा है, और लेकिन थोड़े पार्ट में भी लगा तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ क्योंकि उसका कलर जो था डार्क ब्राउन कलर था, तो मे बी शायद डार्क ब्राउन कलर से भी कोई कलर आया नहीं है। मेरे पास ब्लैक हेयर थे एंड स्टिल आई हैव ब्लैक हेयर, आई कांट सी एनी डिफरेंस पहले और अब में, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो दो रीज़न हो सकता है, यही कि क्वांटिटी बहुत कम थी तो इफेक्ट हुआ नहीं, एंड दूसरा वो डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर था तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं, इसलिए वो ब्लैक के शेड में आ गया। पर हमें क्या, फ्री का था, हमने यूज़ कर लिया। बट मुझे ना अभी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों यूज़ किया। बट एज ऑफ नाउ मैं ये कहूँगी कि मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा है। और अगर आप करने की सोच रही हैं तो या तो आपके पास बड़ा पैक हो, ये तो मेरे पास फ्री का आया था इसलिए मैंने कर दिया। और सेकेंडली कलर थोड़ा डिफरेंट लेना ताकि आपके कलर से पता चले कि आपने कुछ स्पेंड किया है और कुछ डिफरेंट किया है। सेम ही रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, लॉजिक बनता ही नहीं है। या दैट्स ऑल इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी तभी भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी।